हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोस मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 21 के सोल्यूशन को। चलिए तो आपका समय लिए बिना चलते हैं। इसमें एक्चुअली क्या करना था, तो गिव द प्लूरल फॉर्म यानी सिंगुलर फॉर्म, ये जो ग्रीन कलर में होंगे वो आपके बुक के क्वेश्चन है, और उसका सोल्यूशन इधर मैंने राइट साइड में दिया है, तो ये ऑरेंज टाइप के कलर में। तो चलिए, बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स, ये नॉर्मल वर्ड है, इसमें जो है एस लगा करके हम बनाएंगे, नॉर्मली एस लगा के बनता है। टेबल, यह भी नॉर्मल है, इसमें भी एस लगा करके टेबल्स होगा। हॉर्स, हॉर्स का हॉर्सेज होगा, है ना, एस लगा करके। ट्री, ट्री में भी एस लगा देंगे, सामान्य रूल आप सबको पता है केवल जो है एस लगा के बनाया जाता है। इसी प्रकार डेस्क है तो उसमें भी डेस्क से लग गया, लेकिन अगला जो है वो बेंच है, तो जिसके अंत में सी एच हो उसमें ई एस लगा कर प्लूरल बनता है, इसलिए बेंचेज हो गया। इसी प्रकार जिसके अंत में एस हो उसमें भी जो है ई एस लगा के बनता है, इसलिए बस का बसेज हो गया। इसी प्रकार एस एच हो तब भी ई एस लग के बनता है, इसलिए डिश है तो इसका डिशेज हो जाएगा। इसी प्रकार जिसके लास्ट में एक्स हो, आपने रूल पढ़ा ही होगा, तो उसमें ई एस लगा के बनता है, इसलिए बॉक्सेज है। ट्वाय, नॉर्मल वाई, वाई के पहले यहाँ पर वो वोवेल है इसलिए केवल एस लग के बनेगा ट्वाइज। इसी प्रकार मंकी में भी आप देख रहे हैं वाई के पहले वोवेल है, वोवेल ए ई आई ओ यू को कहते हैं, तो यदि वोवेल रहे तो हम सीधा एस लगा करके जो है उसका प्लूरल बनाएंगे, लेकिन यदि उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो आप सबको ध्यान होगा जैसे कि फ्लाई, तो उसके पहले एल जो है वो कॉन्सोनेंट है वाई के पहले, तो फिर क्या करेंगे उस परिस्थिति में, वाई को हटा देंगे और आई एस जोड़ देंगे, या यूं कहिए कि वाई को आई में बदल देंगे और ई एस जोड़ देंगे। आगे बढ़ते हैं, लेडी में भी वही है, वाई के पहले डी जो है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पर भी वाई को आई में बदल के ई एस लगा देंगे। अगला बेबी भी वैसे ही है, वाई के पहले बी कॉन्सोनेंट है, इसलिए बेबी का बेबीज हो जाएगा, यानी वाई को हटा वाई को आई में बदल के ई एस जोड़ दें, या यूं कहिए कि वाई को हटा देंगे और आई ई एस जोड़ देंगे। चलिए आगे है आपका हीरो, जिसके लास्ट में ओ हो तो ई एस लगा कर बनाते हैं प्लूरल, तो हीरोज़ हो गया ई एस। मैंगो, इसके भी लास्ट में आप देख रहे हैं कि ओ है इसलिए ई एस लग के बनेगा मैंगोज, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें, है टेक्निकल शब्द हैं जैसे रेडियो, तो उसमें केवल एस लगाकर ओ के बावजूद भी केवल एस लगता है। अगला है थीफ, तो जिसके लास्ट में एफ या एफ ई हो तो हम सबको मालूम है उस एफ को हटाकर, है ना, वी ई एस जोड़ते हैं, या यूं कहिए एफ के बदले वी लिखकर ई एस जोड़ते हैं। नाइफ में भी वही बात है, है ना, इसको नाइफ पढ़ेंगे, कनाइफ नहीं, तो इसमें एफ ई को हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस लगा देंगे। उल्फ में भी एफ को हटा देंगे और उसकी जगह वी ई एस लगा देंगे, तो उल्फ्स हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, जैसे रूफ है, इसमें एफ होने के बावजूद भी केवल एस लगेगा। अब कुछ ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ वॉवेल्स को चेंज करके बनाया जाता है, जैसे मैन है तो उसका ए को ई में बदल देंगे, मैन हो जाएगा। इसी प्रकार फुट है, डबल ओ है तो उसको डबल ई में चेंज कर देंगे, ना, फुट का फीट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और अगला है आपको वुमन, ये इसका उच्चारण ना बहुत ध्यान से देखेंगे, है ना, वू म न, ये वुमन है। बहुत सारे लोग ओमैन कहते हैं, ओमैन माने बुरी आत्मा होता है, और इसका प्लूरल बस ए को ई में बदल देंगे ये, लेकिन इसका प्रोनंसिएशन थोड़ा अलग हो जाता है, इसका प्रोनंसिएशन हो जाता है वी मे और न, विमेन, ध्यान रखेंगे ये विमेन हो जाएगा। सिंगुलर में वुमन पढ़ेंगे और प्लूरल में विमेन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर है ग्रैंडसन, तो इसका एक मिस्टेक हो गया हुआ है, मैंने यहाँ पर एस छोड़ दिया है, तो ये ग्रैंडसन्स हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और वुमन डॉक्टर, तो इसका वुमन का प्लूरल कर देंगे विमेन, और डॉक्टर का भी प्लूरल होगा डॉक्टर्स। अब आ जाइए शिप, शिप का प्लूरल क्या होगा, शिप ही होगा। कुछ ऐसे वर्ड है अगले एक्सरसाइज में पता चलेगा आपको, जो कि सिंगुलर में भी सेम रहता है प्लूरल में, जैसे शिप हो गया, डियर हो गया, सिंगुलर में भी शिप, प्लूरल में भी शिप, सिंगुलर में भी डियर और हिरण वाला, और प्लूरल में भी डियर। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज यहाँ पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपका सब सही हुआ होगा, और कैसा लगा हमारा ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और इसे अपने, हो सके तो अपने नियर एंड डियर वंस को शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।